निखिल जी कैसा लग रहा ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा, बढ़िया। अब फिलहाल फ्रूट्स के बाद ले लिया अपना देसी ब्रेकफास्ट। हमारा होटल जो हमने सिलेक्ट किया था उसका नाम था दुबई प्लेस जुमेरा। रूम में घुसते ही सबसे पहले आती है कबर्ड, और उसके बाद जो बेड आप देख रहे हैं वो एक्चुअली सोफ़ा कम बेड है, जिसको दिन में हम यूज़ करते थे सोफ़ा बैठने उठने के लिए, और रात को वही हमारे थर्ड एडल्ट के लिए बन जाया करता था बेड। मैंने ऑनलाइन जो सिलेक्ट किए थे वो थे सिंगल दो ट्विन बेड्स, उसमें थोड़ा आराम और कम्फर्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बेड के दोनों तरफ ही थी छोटी छोटी टेबल्स जिनमें बेड लैम्प और उसके नीचे चार्जिंग पॉइंट्स थे, और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि जो चार्जिंग पॉइंट्स थे उसके लिए पहली बार हमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवल अडाप्टर नहीं लेकर जाना पड़ा। आपके इंडियन दोनों बेड्स के साइड में ही डायरेक्टली प्लग इन हो जाया करते थे। एक बेनिफिट और था कि जो नॉर्मल आपके USB केबल्स होते हैं उनसे डायरेक्टली आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। साथ में ही रूम में कंप्यूटर चेयर और उसके साथ टेबल थी, जिसके साथ भी आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लग्स अपने लैपटॉप या वीडियो एडिट करने के लिए, और उसके साथ में हमें मिली हमारी 50 इंच की LED जिसके नीचे हमने अपनी रेडी टू हीट मील्स को भी सजा दिया। इसी टेबल के नीचे हमें मिला एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर हम अपने खाने पीने की सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। साथ में ही थी कुछ और ड्रॉर्स जिनमें पहली ड्रॉर में था हेयर ड्रायर और नीचे की ड्रॉर कुछ खास काम की नहीं थी। इसके साथ ही आपको मिलते हैं कंप्लीमेंट्री टी कॉफी के सैचेट्स। एक ट्रेवलर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इलेक्ट्रिक वाटर केटल, जिसमें हम अपनी रेडी टू हीट मील्स को गर्म करके अपना खाना खा लिया करते थे। एक्चुअली कमरा एक डबल यूनिट थी, लेकिन हमारी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने इस दरवाजे को लॉक करके हमें सिंगल रूम दे दिया। इसके साथ ही हम लेके चलते हैं आपको रूम के बाथरूम में, जिसमें आपको मिलते हैं पर गेस्ट के हिसाब से फेस टॉवल्स, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश और नॉर्मल सोप। बाथरूम बहुत ही नीट एंड टाइडी, बहुत ही बेहतरीन था। सेम इसी तरीके से पर गेस्ट के हिसाब से आपको टॉवल्स बहुत ही नीट एंड क्लीन रखे हुए मिल जाते हैं, और बाथटब। अब दोबारा हम आपको लेकर के चलते हैं कबर्ड में, जहां पर पहली ड्रॉर में रखा हुआ था तमाम लॉन्ड्री का मेन्यू, कि अगर आप चाहें तो होटल से अपनी लॉन्ड्री वॉशिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिनके रेट्स बाकायदा इस लिस्ट में मेंशन थे। साथ में थी कुछ और ड्रॉर्स जिनको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही सबसे ज़रूरी बात, हमारा जो कमरा था वो रोड साइड था और उसका व्यू बहुत ही प्यारा था, क्योंकि हमारे रोड साइड पर था एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया पार्क, क्योंकि इस लोकेलिटी में और भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स थे, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये पार्क बच्चों के खेलने के लिए बनाया हुआ था। और सबसे ज़बरदस्त था ये जॉगिंग ट्रैक, जिसका बेस इतना कुशन वाला था कि जब भी कोई इस पर वॉक करता है, जॉगिंग करता, तो इसके कुशन की वजह से बिल्कुल दर्द होने की कोई संभावना नहीं थी। और साथ ही में मेंशन किए थे कितने मीटर्स का है इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स के साथ। और अब बात कर लेते हैं रूम के अमाउंट की, तो ये रूम हमें 3 adults के लिए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पड़ा था सिर्फ 5,000 rupees। निखिल जी कैसा लग रहा ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा, बढ़िया, मज़ा आ गया। पाइनएप्पल इतना ज़बरदस्त है, इतना मीठा है, बहुत बढ़िया पाइनएप्पल ना, बहुत बढ़िया। खजूर भी है? हाँ, ड्राई फ्रूट्स होंगे, अभी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेंगे। बाकी हाँ, वैसे फ्रूट तो आपको भी ठीक लगे? अच्छे, वेरी गुड, मज़ा आ गया भाई। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। फ्रूट्स के बाद नंबर था अब कुछ सैलेड टेस्ट करने का, हालांकि इनमें से बहुत सारे सैलेड ऐसे थे जिनका हमें नाम तक नहीं पता था।
ऑलिव वन पीस हाँ दिस वन वन पीस देखो दुबई में जो है ये जो आप देख रहे हो इनमें से कुछ भी पैदा नहीं होता कुछ भी जिसे कहते हैं जो टमाटर हो ऑलिव हो या जो ये हरे भरा जो भी दिखाई दे रहा है और ये हमारे देश से भी ज़्यादा आपको फ्रेश यहाँ पे मिलेगा 100% गारंटी जितनी भी बढ़िया चीज़ें होती हैं वो पहले होती हैं इम्पोर्ट करते हैं अपने लिए अच्छा टेस्ट आ रहा हम उसका दुबई में ब्रेकफास्ट हो या लंच आपको हमस की चटनी जरूर मिलती है और वो हमारी इतनी फेवरेट हो गई थी कि हमने उसे सैलेड से खाने से भी परहेज नहीं किया चटनी साथ तो मजा आ गया थैंक यू तो जी यहाँ पर ये बहुत सारे रेजिन्स हैं काजू के ड्राई फ्रूट्स हैं ओट्स हैं और यहाँ पर पराठा है विद चना है ये फुल मैडम्स लिखा है इसके अंदर बीन्स हैं पोहा है ऊपर सॉस है चटनी जो होती है केचप और ये दूसरी चीज़ है गुड ब्रेकफास्ट एंड यू आर मैनेजिंग वेरी वेल वेरी गुड यहाँ पर है होम स्टाइल पोटैटो आलू हैं उसके बाद स्टीम ब्रोकली वेज क्रीम सूप स्टीम राइस यहाँ पर स्टीम राइस है ओटमील है बेक्ड बीन्स है और बाकी चीज़ें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पर है और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग मेंटेन कर रहे हैं कि आपको ये जो एक इन्होंने लगा रखा है इसके अंदर आप नहीं जा सकते और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सर्व कर रहे हैं ये हो गए आपके सैलड का मेन्यू है सारा बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ये सारे फ्रूट्स हैं उधर ब्रेड्स वगैरह हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और ये हमने अब फिलहाल फ्रूट्स के बाद ले लिया अपना देसी ब्रेकफास्ट ये लीजिए साहब और अब आखिरी चीज रह गई थी कन्फेक्शनरी आइटम्स की तो हमने सोचा उसको भी क्यों छोड़ा जाए यहाँ पर हो गया कुछ बेकरी सेक्शन ये सुंदर सुंदर चीजें हालांकि वो खाली है लेकिन ये बहुत अच्छा है उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेड्स मिल जाएंगी विद बटर एंड जैम वगैरह ये ब्रेड्स हैं और ये यूनिका स्टाफ है जो गर्म करके आपको सर्व कर रहा है उसके बाद ये एक और सेक्शन है जहाँ पर ये सारे जूसेस हैं आपकी कैपेचिनो वगैरह है ब्लैक कॉफ़ी डिटॉक्स वाटर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो जनाब यही फ़ायदा है अच्छा होटल लेने का क्योंकि ब्रेकफास्ट जब आपको अच्छा मिलता है तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा ये क्या जी होम स्टाइल आलू पेट गजब ब्रोकली मजा आ गया भाई साहब दोस्तों ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं अब हम बाहर अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर जरूर करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय